यूनिवर्सिटी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसा कहना है अंतिम वर्ष के कुछ छात्रों का। आज अंतिम सत्र की ऑनलाइन परीक्षा का दूसरा दिन था, जिसमें कई छात्रों को लॉगिन करने में काफी दिक्कत आई है। 2 से 3 घंटे बाद भी छात्र लॉगिन करने में अटके रहे। हेल्पलाइन नंबर भी इस समय हेल्पलेस रहे, जिससे छात्रों में भ्रम, गुस्सा और भविष्य की चिंता है। कई विवादों और विरोध के बावजूद राज्य भर में अंतिम सत्र की परीक्षा ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया गया। ये परीक्षा पहले 1 अक्टूबर से ली जाने वाली थी, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के बीच समन्वय नहीं होने की वजह से ऐन मौके पर इसे स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद परीक्षा 8 अक्टूबर से लेने के नोटिस जारी किए गए। कोविड महामारी की परेशानी को ध्यान में रखते हुए अंतिम सत्र की परीक्षा ऑनलाइन ली जा रही है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए छात्रों की सुविधा और सख्ती के लिए यूनिवर्सिटी ने ऐप बनाया है, जिसके जरिए छात्र परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन शुरुआत से ही इस एप्लीकेशन में कई तरह की गड़बड़ी देखी गई। जैसे शुरुआत में तो यह ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड होने में दिक्कत आई। फिर जिस दिन ऑनलाइन परीक्षा शुरू होनी थी, उस दिन छात्रों को लॉगिन करने में कई समय लग गया। जैसे तैसे पहले दिन दिक्कतों का सामना करते हुए छात्रों ने परीक्षा दी। शुक्रवार को अंतिम वर्ष की परीक्षा का दूसरा दिन था। इस दिन तो हद ही हो गई। छात्र 2 से 3 घंटे तक सिर्फ लॉगिन करने में ही उलझे रहे। किसी का ऐप लॉगिन हुआ तो एग्जाम स्टार्ट करने में कई परेशानी आई। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर भी हेल्पलेस रहा। किसी ने फोन उठाया तो किसी ने छात्रों का फोन ब्लॉक कर दिया। हेलो, मैं आरटीएमएनयू का स्टूडेंट हूँ। बीए मास कम्युनिकेशन डीएनसी कॉलेज से कर रहा हूँ। तो हमारे एग्जाम जैसे कि ऑनलाइन होने वाले थे, बट आज दिक्कत हुई है थोड़ी एग्ज़ाम में। कल कम्युनिकेशन रिसर्च का एक पेपर था तो वो अच्छा गया, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सबमिट भी बराबर हो गया सबका। पर अभी हो ये रहा है कि अभी जैसे ही हमारा दूसरा पेपर था, हम उसके लिए प्रिपेयर किए, फिर हाफ आवर पहले से हम उसका लॉगिन कर रहे थे, बट लॉगिन के वक्त लिख के आ रहा था कि समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब हो ही नहीं रहा था लॉगिन। तो हमने कंटिन्यू ट्राई किया, हमने 2 घंटे तक सब लोगों ने ट्राई किया, सब कनेक्टेड थे और सर से भी बात हो रही थी, सर भी हेल्प कर रहे थे। और सर यूनिवर्सिटी में थे पर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था यूनिवर्सिटी से। और अभी हमारा पेपर था 11:30 बजे, अभी बज रहे 4, पर कोई अपडेट नहीं है कि होने वाला है या नहीं होने वाला है, कल के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। तो अभी कुछ हम थोड़े दिक्कत प्रॉब्लम में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी शायद नहीं होने वाला ऐसा थोड़ा नोटिस मिल रही है, पर आज बहुत प्रॉब्लम हुई है। थैंक यू। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी पेपर एग्ज़ाम 1 तारीख से थी, और उसके बाद स्ट्राइक के कारण वो हमें 2 दिन पहले पता चला कि पोस्टपोन्ड हो गई है, जो कि 8 तारीख से है। पर 8 तारीख को भी हमारा जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, उसमें हमें OTP नहीं आया टाइम पे, और उसके बाद आने के बाद हमने जब MCQ पूरे सॉल्व करने के बाद जब सबमिट किए, तब बफरिंग होने लगा ऐप, और उसमें भी हम लोग को बहुत टाइम लगा, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी हम लोग को सबमिट करने के लिए। और आज 9 तारीख को हमारा जो मीडिया लॉ एंड एथिक्स का पेपर था, उसमें भी हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसमें हम लोग ऐप लॉगिन ही नहीं हुआ, और आधे घंटे बाद लॉगिन हुआ तो उसमें हम लोगों को फिर स्टार्ट एग्ज़ाम जब हमने किया तो वो स्टार्ट एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। बहुत दिक्कतें हुई हम लोग को, हमने पूरे कॉल सेंटर में कॉल किया, जितने भी नंबर है कॉल सेंटर के, तीनों नंबर पे उन लोग भी कुछ बोल नहीं पाए, कोई कोई फ़ोन काट रहा था। उसके बाद हमने RTIMNU के ऑफिशियल से बात की, तो उन्होंने भी हम लोग को ये बताया कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप वेट एंड वॉच करो। ये भी नहीं बता पा रहे वो सही से कि हम कल के प्रिपरेशन करें कल के पेपर के लिए या नहीं, कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और 2-4 जनों ने फ़ोन ही स्विच ऑफ करके रख दिया, और किसी का आउट ऑफ कवरेज नंबर है। हेलो, मेरा नाम प्रणय सोनी है, मैं BMS कम्युनिकेशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। जो हमारी एग्ज़ाम ऑनलाइन चल रही है, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं ये एग्ज़ाम घर से नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और मुझे डर लगा रहता है कि इफ़ अगर बीच में मेरा नेटवर्क चला गया तो कहीं मैंने जो क्वेश्चन सबमिट किए हैं वो चले ना जाए, या फिर से ऐप चालू ना हो जाए। और मेरा एक दोस्त है, उसके साथ कल ये प्रॉब्लम हुआ था कि उसको आधा घंटा कम मिला। वो हमारा पेपर
11:30 बजे स्टार्ट होने वाला था, बट वो उसका 12:30 बजे स्टार्ट हुआ। कल मुझे सबसे पहले बताओ तो दो तरह की दिक्कत आई कि लॉगिन करने में मुझे बहुत टाइम लगा, वो हो नहीं रहा था, और जैसे ही मैंने लॉगिन किया बाद में मुझे एग्ज़ाम स्टार्ट करने के लिए 10 मिनट लगे, यानी मुझे 1 घंटे में से 10 मिनट पहले ही कम मिल गए। और मैंने बताया कि मैं एग्ज़ाम मेरे घर से नहीं दे रहा हूँ, मेरे दोस्त के घर से दे रहा हूँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसके घर अच्छा नेटवर्क आता है, इसलिए मैं वहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि कल किसी किसी का ओटीपी नहीं आया, फिर हमको रात को पता चला कि ओटीपी बंद कर दिया उन्होंने, तो कल फिर से हमने ऐप अनइंस्टॉल किया, और अनइंस्टॉल करने के बाद आज फिर से इंस्टॉल किया, और सब मुझे लगा कि ये ऐप प्ले स्टोर पे अपडेट हो जाएगा, बट ये अपडेट हो ही नहीं रहा था, मुझे ये ऐप अनइंस्टॉल ही करना पड़ा। और अनइंस्टॉल करने के बाद उसको मैंने इंस्टॉल किया, तो फिर जैसे ही मैं लॉगिन कर रहा था तो वो सबसे पहले लॉगिन होने में उसने टाइम लगाया, मैंने पासवर्ड और लॉगिन आईडी डाला तो उसने 10-15 मिनट उस पर ले लिया, राउंड 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 हो रहा था। फिर वो होने के बाद मैंने स्टार्ट एग्ज़ाम की, तो स्टार्ट एग्ज़ाम में समथिंग वेंट स्ट्रॉन्ग समथिंग वेंट स्ट्रॉन्ग, और यह बहुत टाइम से चल रहा था। आई थिंक मैं 11 बजे से ऑनलाइन हूँ, और इस चक्कर में मैंने मेरा ऐप RTMU परीक्षा ऐप 3 से 4 बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया कि शायद अभी नहीं हो रहा, अनइंस्टॉल करके देखता हूँ, इंस्टॉल करने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा, रिफ़्रेश हो रहा है तो उसके बाद हो जाएगा। बहुत ट्राई किया मैंने, 3 बजे तक कंटिन्यू ट्राई किया मैंने, और 3 बजे के बाद मैंने होप छोड़ दी, इफ़ अगर एग्ज़ाम हुई तो ठीक है, नहीं तो हम ऑफलाइन दे देंगे। और मुझे मैं बेसिकली खुद का बताऊँ तो मुझे RTMU पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम हुए हैं उनके साथ, और अगर और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ग्लीचेस है जो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, और हम जिनको फ़ोन लगा रहे हैं वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हमारे, उनका फ़ोन आउट ऑफ रीच आ रहा है, जितने सारे नंबर पर कॉल लगाया हमने बट कोई आंसर नहीं दे रहा है। और फिर ये तो ऑब्वियसली ये हमारा फ्यूचर बर्बाद करना ही हुआ, क्योंकि सब पहले बोले कि एग्ज़ाम नहीं होंगी, बाद में फिर ये को हाई कोर्ट में गया, फिर बोले एग्ज़ाम हो रही है, फिर उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम ऑफ ऑनलाइन होगी, ऐप बनेगा बहुत अच्छा ऐप बनेगा, बट जब हमने कल एग्ज़ाम देखा तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा, सबमिट करने में भी हमको आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा। जब मैंने सबमिट किया मुझे लगा कि मेरा क्वेश्चन सबमिट होता कि नहीं होता, और आज का दिन तो बहुत खतरनाक गया, मैं इतने टाइम ऑनलाइन था और कुछ हुआ नहीं, और मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है इस वजह से, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अभी परिपत्रक जारी किया गया है कि तकनीकी परेशानी के चलते आज की परीक्षा रविवार या तय किसी अन्य तारीख पर ली जाएगी, मानो यूनिवर्सिटी ने छात्रों के भविष्य का मजाक बना दिया हो। जब एप्लीकेशन पूरी तरह से सुरक्षित ही नहीं है तो अधूरे ऐप के साथ परीक्षा लेना एक बेवकूफी ही है, और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी। हालांकि यूनिवर्सिटी ने आश्वासन दिया है कि जिन छात्रों की परीक्षा नहीं हुई है उन्हें फिर एक मौका दिया जाएगा और तकनीकी परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। NBCN न्यूज़ के लिए दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।